हेलो एंड वेलकम टू मनु मैम्स पाठशाला। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बच्चों आज हम क्लास 1 EVS चैप्टर 16 गुड हैबिट्स चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगी, इसे एक्सप्लेन करूंगी और साथ में एक्सरसाइज भी करवा दूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बुक के प्रीवियस चैप्टर्स भी मेरे चैनल पर है, अगर आपने उन्हें मिस किया है तो मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगी, आप वहां से जा कर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 16 गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें। वी लर्न गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स एट होम एंड इन स्कूल। हम घर में गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें घर पे और स्कूल में सीखते हैं। We should go to bed early at night. हमें रात को जल्दी सोना चाहिए। We should get up early in the morning. और हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। We should reach the school on time. We should learn to do things on time. हमें स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए और सभी काम समय पे करना चाहिए। We should learn to stand in a queue. We should wait for our turn. We should behave well. और अगर कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे हमें अपना काम करवाना हो या स्कूल पे भी, हमें हमेशा लाइन से चलना चाहिए। किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, हमें लाइन से चलना चाहिए, अपनी बारी के लिए रुकना चाहिए और साथ में ही हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए। वी शुड कीप द स्कूल एंड आवर हाउस क्लीन। और हमें अपना स्कूल और अपने घर को साफ रखना चाहिए। वी शुड पुट वेस्ट पेपर्स इन द डस्टबिन। और जो वेस्ट पेपर्स है, जो फटे हुए कागज या कोई भी गंदा चीज़, हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। We should learn to be kind to everyone. हमें दूसरों के प्रति दया दिखाना चाहिए। We should help everyone who needs help. और हमें उन लोगों की मदद करना चाहिए जिन्हें मदद की ज़रूरत है। We should not make noise. हमें हल्ला चिल्ला नहीं करना चाहिए। We should wish good morning to everyone. और हमें सभी को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। वी शुड से प्लीज इफ़ वी वांट समथिंग। और अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए किसी से तो हमें नम्रता से प्लीज़ कहकर मांगना चाहिए। वी शुड से थैंक यू व्हेन वी गेट समथिंग। और जब हमें किसी से कुछ चीज़ मिलती है तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। We should say sorry if somebody gets hurt by us. और अगर किसी को हमसे चोट पहुंचती है तो हमें सॉरी कहना चाहिए। Exercises. Answer the questions. Name two places where we learn good habits. दो जगहों के नाम लिखिए जहां पर हम गुड हैबिट्स सीखते हैं। तो पहला हो गया आवर होम, यहाँ पर हम अपने घर के बारे में लिखेंगे। और दूसरा है आवर स्कूल, आवर होम एंड आवर स्कूल। व्हाट शुड वी से व्हेन वी गेट समथिंग। जब हमें किसी से कुछ मिलता है तो हमें क्या कहना चाहिए। थैंक यू, हमें यहाँ पर थैंक यू लिखना है, ठीक है। इफ़ वी सी ए बॉय और गर्ल नॉट स्टैंडिंग इन ए क्यू, व्हाट शुड वी आस्क हिम और हर। अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा, कोई लड़का या लड़की लाइन पे खड़ा नहीं है तो हमें क्या कहना चाहिए। वी शुड आस्क हिम और हर टू स्टैंड इन ए क्यू। हमें उनसे नम्रता से कहना चाहिए कि वो लाइन पे खड़ी हो जाए। हाउ डू यू विश योर टीचर व्हेन यू कम टू स्कूल। जब आप स्कूल आते हैं तो आप अपने टीचर को कैसे विश करते हैं। I say good morning teacher, ठीक है। आप यहाँ पर लिखिए good morning teacher, okay? What do you say to somebody if you hurt him or her? अगर आप किसी को चोट पहुँचाते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे। I say sorry, ठीक है।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। बच्चों, जो बॉक्स पे वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी मदद से हमें खाली जगहों को भरना है। आई से डैश व्हेन आई वांट समथिंग। मैं क्या कहता हूँ जब मुझे कुछ चाहिए तो? प्लीज़। ओके, आप यहाँ पर प्लीज़ लिखिए। आई स्टैंड इन ए डैश एंड वेट फॉर माई टर्न। आप कैसे खड़े होते हैं? आई स्टैंड इन ए क्यू, लाइन पे खड़े होते हैं और अपने टर्न के लिए इंतज़ार करते हैं। आई डैश स्कूल ऑन टाइम। आई रीच, मैं पहुँचता हूँ, मैं स्कूल समय पे पहुँचता हूँ। आप यहाँ पर रीच लिखिए। वी शुड बी डैश टू एवरी वन। वी शुड बी काइंड टू एवरी वन। हमें सबसे प्यार रखना चाहिए। वी कीप आवर स्कूल। हम अपने स्कूल को कैसा रखते हैं? क्लीन, यहाँ पर क्लीन लिखिए। चेक इफ यू फॉलो दीज गुड हैबिट्स। राइट येस इफ यू डू द फॉलोइंग और राइट नो इफ यू डोंट फॉलो देम। बच्चों, यहाँ पर कुछ गुड हैबिट्स दिया गया है, तो अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पर येस लिखिएगा और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो नो लिखिएगा। ठीक है। यू कीप योर बुक्स इन प्रॉपर प्लेस। आप अपने बुक्स को सही जगह पर, अपनी जगह पर रखते हैं। अगर येस तो आप येस लिखिएगा, नो तो नो लिखिएगा और अभी से करने की कोशिश कीजिएगा। यू राइट ऑन द वॉल्स। क्या आप वॉल्स पे लिखते हैं? नो, अगर आप नहीं लिखते हैं तो नो लिखिएगा। ठीक है। यू विश गुड नाइट टू योर पेरेंट्स बिफोर गोइंग टू बेड। आप रात को सोने से पहले अपने पेरेंट्स को गुड नाइट विश करते हैं? अगर हाँ तो येस, ना तो नो। यू डू नॉट क्लोज द वाटर टैप आफ्टर यूज। आप पानी के टैप को इस्तेमाल करने के बाद बंद नहीं करते हैं? अगर नहीं तो येस और अगर करते हैं बंद तो नो लिखिए। ठीक है। यू प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन। आप गार्डन से फ्लावर तोड़ते हैं? येस तो येस लिखिए, नो तो नो। यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। आप अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं? येस तो येस, नो तो नो लिखिए। ठीक है। अब एक्टिविटी। लर्न द पोएम। टू मैजिक वर्ड्स ऑलवेज से दीज। वन इज थैंक्स, द अदर इज प्लीज। इस पोएम को बच्चों आप याद कर लीजिए। ठीक है। पोएम में क्या कहा गया है? दो मैजिक वर्ड्स है जिसे हमें याद कर लेना है और हमें हमेशा बोलते रहना है। वो क्या है? वन इज थैंक्स, एक जो है थैंक यू बोलना है, और दूसरा प्लीज। ठीक है। ड्रॉ योर फेस एंड राइट। आप अपना फेस ड्रॉ कीजिए और लिखिए आई एम ए वेल मैनर्ड बॉय और गर्ल। अगर आप लड़की है तो आप लिखिए आई एम ए वेल मैनर्ड गर्ल। अगर आप लड़का है तो आप लिखिए आई एम ए वेल मैनर्ड बॉय। तो बच्चों, आई होप कि आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, मीनिंग को समझ लिया है और एक्सरसाइज को भी अच्छी तरह से कर लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।